सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन पत्ती किंग ऐप के बारे में। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप भी इस ऐप में बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऐप में बैंक अकाउंट चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐप को करना है आपको ओपन। ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ऐड कैश का ऑप्शन, सेटिंग्स का ऑप्शन, शेयर वॉइस का ऑप्शन, मेल का ऑप्शन, प्रोफाइल फ़ोटो का ऑप्शन, निकनेम का ऑप्शन, प्लेयर आईडी का ऑप्शन एंड विड्रो का ऑप्शन। तो इनमें से आपको विड्रो के ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया हुआ है उसको आपको कर लेना है रिमूव। सो गाइस, बैंक अकाउंट रिमूव करने के बाद में आपको बैंक अकाउंट को करना है ऐड। ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट फिल कर लेना है। फर्स्ट नंबर पे आपको डालना है बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। सेकंड नंबर पे आपको डालना है यूज़र नेम। थर्ड पे आपको डालना है बैंक नेम। फोर्थ पे आपको डालना है फ़ोन नंबर। फिफ्थ पे आपको डालना है IFC कोड, बैंक नेम, ब्रांच बैंक नेम, और या फिफ्थ सिक्स्थ पर आपको डालना है ईमेल एड्रेस। डालने के बाद में आपको सेव के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो OTP आएगा। जो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर डाला होगा उस फ़ोन नंबर पर OTP आएगा। OTP आपको डाल लेना है। OTP डालने के बाद में आपको सबमिट पर कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो जाएगा चेंज। तो इसी तरीके से आप बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।